इसलिए एप्पल पकड़ के घूम रहे खाएगा हल्के। मैं पैंट को खरीदा था 300 रुपया में। स्काई देखियो अरुणाचल की राजकुमारी। ओहो बाहुई ने दिया हमको। रेलवे ब्रिज है एंड देन यहाँ पे ये है दिक्रोंग नदी और इवन इसमें टेक भी है अभी तक। वेलकम बैक एवरीवन। सो आई हैव स्टार्टेड माय डे एंड आज बहुत काम है गाइस मेरा। काम इन अ सेंस लाइक आई हैव टू आई वाज प्लानिंग टू चेंज द डायरेक्शन, समझ रहे हैं? मेरा रूम का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा सोच रहे हैं। पहले वाला जो डायरेक्शन था आप लोगों को शायद याद है ना, नहीं है पता नहीं। पहले मेरा जो टेबल था वो विंडो का साइड, आई एम सॉरी हम मेरे स्टैंड को पूरा हिला रहे। तो मेरा पहले जो स्टडी टेबल था वो जो विंडो का साइड में था जहाँ पे अभी हम खड़ा कर रहे हैं, ये साइड था। एंड अभी तो वहाँ पे है दरवाजे के सामने में ना, तो वहाँ से यहाँ ला देगा सोच रहे पहले वाला डायरेक्शन में। बिकॉज खिड़की है तो खिड़की का पास में अगर रह के पढ़ने से तब ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइट आता है अच्छा से ना पढ़ते वक्त और बहुत फ्रेश भी होता है। तो खिड़की खोल के भी हवा भी आ सकता है ऐसे। अभी दारे उधर में आगे में दारे दीवार है ऐसा हो रहा है तो वो भी अच्छा है ऐसा रखने से भी। बट अभी जैसे कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो ऑब्वियसली टेबल बैठना पड़ेगा हमको, तो इसलिए हम जो सोच रहे हैं अभी डायरेक्शन को वापस से चेंज कर देगा, पहले जैसे ही रख देगा हल्के। तो यस अभी शुरू करना पड़ेगा। लेजी भी आ रहा है लेजी भी आ रहा है बट क्या हम गाना डू दैट। और सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है इसलिए एप्पल पकड़ के घूम रहे खाएगा हल्के। एंड ब्रेकफास्ट हम नहीं करेगा, हम बस ये एक छोटा सा एप्पल ही खाएगा। उसके बाद में काम को ख़त्म करने के बाद में तो काम कर करके और ज़्यादा भूख लग जाएगा होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली लंच करेगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, चलो चलो काम को शुरू करेगा। टेबल मिलाएगा, आप लोग देखते रहो पीछे पीछे कि कैसा करता है नहीं करता है। ज़्यादा तो काम नहीं, बस बेड को तानेगा टेबल को इस साइड रख देगा। तो लेट्स गो। सो गाइस ये देखिए अभी ऐसा है, घुसने का सजा टेबल इधर होता है बेड उधर है, तो हम टेबल को उधर रखेगा हल्के, बेड का वो माझा में मेरा सर रखते हैं उस साइड में ऐसे। तो हम दोनों का करेगा, पीरम का भी करेगा मेरा भी करेगा। पीरम का भी कर देगा क्योंकि हाँ उसको तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा एंड बोथ साइड सेम होने से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो ऐसा है। तो वही है अभी बस तानेगा, उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि ऐसा करते करते धूल मिट्टी और निकल जाते हैं तो सामान को, क्योंकि हम इतना नहीं हिलाते हैं जिस तक अंदर अंदर तक। तो या लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हर साइड। टेबल को हमको सेंटर में लाना पड़ेगा, वो उससे पहले हम एप्पल खा लेगा, फिर धूल मिट्टी हो जाएगा, फिर चूहा का गंदा हो जाएगा। फिर I'll eat first. तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा कपड़ा है, उस दिन मैं पहन के बाहर गया था तो सुखा के रखते हैं। बहन तुम देख रहा होगा व्लॉग को, तेरा टेबल हिला रहा है, तुम खराब मत पाओ दे। ओ माय गॉड फिरम तुम चिंता मत करो, जितना भी उल्टा फुल्टा कर रहा है वापस मिला के रख देगा। एंड आई नो फिरम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शी इज ऑलवेज लाइक माता दी कर लो ना, आपका मर्जी है सब बोलते हैं वो। बहुत खुश होगा क्योंकि उसका तेरा स्विफ्ट उस दिन वो यहाँ लगाया था, तो हम जो रूम का डायरेक्शन चेंज किया तो समझ रहे बेड जो यहाँ हो गया आधा हो गया था, तो अभी फुल्ली पूरा दिखाई देगा। सो तो आई थिंक शी विल बी हैप्पी वापस से।
पीरम का मॉम डैड का फोटो है तो वहाँ रख रहे तो वहाँ कपड़ा का वजह से ढक जा रहा है तो इसको हम यहाँ लगा देगा। सो आई पुट इट हियर। वो इतना आसान से गया है, कॉल भी स्लिप हो गया, ये चाहिए ना। टाइल्स लुए लेवल मैंने डाल के फर्स्ट रूम अभी शायद आप लोग सोच सकते हैं कि पीरम के पास एक ही टेबल है और मेरे पास दो टेबल है। एक्चुअली हम लोग को एक एक टेबल ही प्रोवाइड करता है पर स्टूडेंट को, बट समझ रहे टेबल जो इतना छोटा है, किताब रखना पड़ता है, फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ये टेबल में, फिर पढ़ते वक्त फिर बुक्स होगा, हाथ बुक्स वुक्स रखने के बाद में हाथ भी रखने का जगह नहीं होता अगर एक सिंगल टेबल में, क्योंकि साइज बहुत छोटा है टेबल का, फिर इतना छोटा स्पेस में हमसे नहीं होता है सब। ओके तो हम जो मैम को इतना बार रिक्वेस्ट किया कि हमको प्लीज एक टेबल दे दो, उससे पहले भी मेरे पास दो ही टेबल था बट फिर बीच में ले गया था जब नया स्टूडेंट लोग आया था, तो ऐसा हो के टेबल तो ले गया था, ले जाने के बाद में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऐसा होने के बाद मैम को हम जो रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज एटलीस्ट दिस सेमेस्टर तक होने दो के, लेकिन फिर कुछ पता नहीं लगता हो जाएगा। Just let your head down, let's paint the whole town, life is a playground, yeah, but I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are, my mama raised me to be careful, please you, though I can tell that's not what you used to. So guys, अभी जस्ट हम अपना कपड़ा धोया है, थक गया जीन्स को, और जीन्स इतना भारी था ना तो उसको धुला गया, सुखाने के लिए जाएगा अभी। Thank you.
गाइज आई हैव कम्प्लीटेड ऑल माई वर्क एंड नाउ आई एम सुपर हंग्री. तो अभी हम लंच करने के लिए जाएगा एंड आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि लंच में क्या मिला है आज हम लोग को. ऐसे तो कुछ फिश मछली सचली तो नहीं होगा लग रहा है, आई मीन मीट मछली, तो दाल और फ्राई सब्जी होगा तो वही खाती हूँ. तो हम गोइंग, हम इधर खाएगा खाना अपना रूम में, तो हम खाना लेके आएंगे. लेट्स गो. बाबू हल्ला मत करो यहाँ पे, ले जाओ गाड़ी को. हाँ वो साइड जाओ, उस साइड जाके खेलो, जाओ जल्दी जाओ. इतना हल्ला करता है ना ये बाबू, जो सोते वक्त तो हो गया और इतना जोर से चिल्लाता है, वो जो ना एक साउंड निकलता है ऐसे करके, तो हम जो सोचते हैं कि एक एक बिल्ली लोग कभी कभी रोता है ना इंसान जैसे, ऐसा वाला साउंड निकलता है वो जो, तो हम जो इतना डर लगता है कभी कभी बिल्ली रो रहे क्या सोच के. एक दिन ऐसे हो गया चुपचाप पर्दा होता कि देखा, तो वो जो एक लाठी पकड़ के ऐसे पकड़ के करके जा रहा है, मतलब वो गाड़ी चला रहा है समझ रहा है, तो उसका गाड़ी चलाने का स्टाइल जो ऐसा है. पर हम जो एक बार रात को सुन के इतना डर गया था ना, और वो जो सोने के लिए कर रहा था और वो जो नहीं सो गया खेल रहा था, और उसका घर इधर ही है पास में. अय्या खाना खा के इतना मजा लग रहा है, मुँह में घुसा है तो. खाना सब्जी आज का बहुत अच्छा है, शायद हमको बहुत भूख लग रहा है, शायद इसीलिए होगा, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है. आई वॉज फीलिंग सो लेजी और हम जो सोने ही वाला था, बट आई हैव डिसाइडेड टू गो आउट. सैटरडे मार्केट जाएगा हल्के, तो अभी अगर सो जाने से फिर बहुत लेट तक सो जाएगा हम, तो ऐसा होने से फिर रात को प्रॉब्लम होगा, तो या इसीलिए हम सोचा है कि मार्केट ही चला जाएगा हल्के. तो आई जस्ट गोट रेडी और मेरा फ्रेंड का साथ में जाएगा. सो लास्ट टाइम आई वेंट टू V2 गया था पहले, तब हम ये पैंट को खरीदा था 300 रुपया में, एंड दिस वन इज सो गुड क्वालिटी, भी बहुत अच्छा है, और मेरा टमी थोड़ा निकल गया है, इट्स ओके. तो या एंड शर्ट और अंदर में एक ब्लैक टॉप, सो यस आई एम रेडी गाइस. जाके देखते हैं क्या क्या होगा, और अभी तक तो थोड़ा बहुत उजाला है, तो उजाला में जाने से वहाँ सही रहते, शाम होने से पहले वापस आ जाएगा हम. सो ओके गाइस कॉल आ रहा है, तो ठीक है बाय गाइस, जाएगा तारिक सैटरडे मार्केट में मिलेगा. गाइस हम सैटरडे मार्केट पहुंच गए, मार्केट एक्चुअली वो साइड में है, तो हम लोग बैक साइड में गाड़ी रखा था, तो ये पीछे साइड नदी एरिया है, तो ये पूरा पार्किंग एरिया. ओयो धूप स्काई देखो, गाड़ी आ रहा गाड़ी आ गया था वेजिटेबल्स एरिया. तो बबल तो निकल गया, पर मेरे पास आइडिया है बबल को हटाने के तो मिला दो ना, हम ज्यादा नहीं करा, पूरा मार्केट का बराबर है, 60 ले लो, 80 का तो आते ही है. ये लुगा कैसे है? सो गाइस ये मार्केट जो इधर है, तो यहाँ से निकल से बैक साइड है ये ब्रिज,
रेलवे ब्रिज है एंड देन यहाँ पे पार्किंग है और उसका पीछे में नदी है। आप देखो सनसेट हो गया है, थोड़ा आगे और आगे आने से ना सनसेट बहुत सुंदर से दिखाई देना था। ये है दिक्रोंग नदी और समर सीजन पे पूरा रात को यहाँ पे पूरा इंसान लोग होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं नदी का साइड में और दारू पियेंगे, हम तो दारू पियेंगे ऐसा करते हैं। और वहाँ पे एक ब्रिज है, देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा इंसान सब क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे आदमी लोग बैठा हुआ है और अपना दोगी लोगों भी लेके आते हैं यहाँ पे इंसान लोग। गाइस हम हॉस्टल रूम पहुंच गया है मार्केट से एंड यहाँ पे आप लोगों को अभी हम थोड़ा बहुत सामान दिखाएगा। तो गाइस हम जो ये स्वेटर खरीदा है ये अच्छा है ठीक है, और इवन इसमें टैग भी है अभी तक, और ये हमको सिर्फ मिला है 280 था इसका प्राइस तो, बट आंटी को कम कर दो बोल के 250 में दिया है ये आंटी जो, तो प्यारा है इसका, ये बहुत क्यूट है और हाथ में भी है देखो। और ये शॉल खरीदा था मफलर, और इसको आंटी जो 350 बोल रहा था तो 650 तो उसको बार्गेन कर करके 350 में दिया है आंटी जो। इसमें ये है और इसको निकाल भी सकते हैं, रिमूवल है ये जो, तो बहुत साइड में वो भी दोनों जो अलग अलग कलर में, और ऐसा ही आता है, हम सोचे कि शायद गलती से लगाया होगा बट ऐसा ही आता है, पर हम पहनने से तो हम इसको निकाल देगा लेकिन वही है। और ये दोनों कमल बन मर रहा है क्योंकि ये होलसेल में कंपनी में मिलते हैं तो वहाँ से इसलिए 100 करके ले हो गया है गाइस। एंड ये सॉक्स 2 pair का 100 करके, और ये टॉवल ले, और ये जो बहुत सॉफ्ट है समझ रहे हैं कॉटन का है, तो हम इसको मतलब फेस टॉवल बनाने के लिए, जो मेरा फेस टॉवल है वो जो निकालता है नूम नूम ना, तो ऐसा मुसने के बाद में पूरा लग जाता है स्किन में और बहुत इरिटेशन होता है हमको। एप्पल भी अभी धीरे धीरे दाम भर रहे पूरा 100 rupees है ये। सो गाइज आज का व्लॉग उतना ही था, बट नाउ आई एम गोइंग टू रीड कमेंट क्योंकि कुछ कमेंट्स आया है मेरे सब्सक्राइबर लोग में से, तो या बट देखो गाइज हम कितना मेहनत करें, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है ना, और मेरा रूममेट भी नहीं है, अगर वो होने से उसका फ़ोन लेके हम यूज़ करना था बट सी इज़ नॉट हियर, तो आई फ्रॉट तो कुछ कमेंट्स लोगों को हम यहाँ पे क्वेश्चंस लोगों को यहाँ पे हम लिखा है, तो आई एम गोना गिव आंसर्स, सो या लेट्स रीड कमेंट। एंड तो सबसे पहला कमेंट है, हे वेलकम बैक आफ्टर फ्यू डेज, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरी टाइम हैविंग जंक फूड फ्रॉम आउटसाइड सो फील सिक, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, वट काइंड ऑफ इलेक्शन। ओके अब क्या करेगा, सबसे पहला चीज तो जंक फूड जो ऐसा चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा सकता है, आई नो कि हम उसका वजह से सीख हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का वजह से घूम फिर के बाहर ही खा के था, तो या दैट्स द रीज़न, वो सच है डिनाई तो नहीं कर देगा बट कंट्रोल करेगा, लेकिन जुदा प्रॉमिस भी नहीं करेगा कि लाइक जंक फूड को छोड़ देगा ऐसा, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा तो इसीलिए। एंड वॉट काइंड ऑफ इलेक्शन बोलने से, तो जो इलेक्शन चल रहा है वो है आंसू इलेक्शन, तो आंसू का मतलब है ANSU, तो उसका मतलब है ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन, तो हाँ वही उसी चीज़ का ही इलेक्शन जो पूरा चल रहा है ज़ोरदार से और इवन अभी तक चल रहा है, इवन डेट भी एक्सटेंड हो गया, तो या आप लोगों को शायद कल परसों मेरा व्लॉग में थोड़ा और दिखाई देगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा, एंड व्लॉग आफ्टर अ वीक में एटलीस्ट 2 vlog बनाने की कोशिश करें to contain your viewers, love and support. Yeah, that's right. उसको भी क्या ही बोल देगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना, इससे पहले वाला जो व्लॉग था वो आने में लेट हो गया बिकॉज सच में हम बिजी हो गया था ना, और प्रेशर भी अभी इतना सारा, इलेक्शन भी चल रहा है, एग्जाम्स भी आने वाले ऐसा होके, बट या इट्स माई फॉल्ट, गना कीप दैट इन माइंड एंड अपलोड व्लॉगिंग को अच्छे से अपलोड करने का कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वेटिंग, आप लोग जो वेट करता है मेरा व्लॉग के लिए, तो ये कमेंट लोगों को पढ़ के हमको इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, मतलब समझ जाना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड नॉट इवन ओनली यूट्यूब का कमेंट, मैं मेरा जो इंस्टाग्राम में भी लोग जो इतना लाइक ऐसा कमेंट कर रहा था कि आपका व्लॉग को रुक रहा था ऐसा लाना, वहाँ पे भी इंसान लोग ने कमेंट किया है कि कब आएगा व्लॉग ऐसा ला, इतना दिन का बाद ऐसा करके, तो वो कमेंट्स लोगों को देख के हम जो इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहा था, इतना खुशी भी लग रहा था, समझ रहे हम जो, तो या थैंक यू सो मच गाइज। सो और एक लास्ट कमेंट पड़ेगा, देची में ही खाना खा दिया सकाई देर
इसको आप आगे पढ़ के भी हंस रहा था, दीक्षित तो कुछ भी नहीं है, छोटा में तो हम तो पूरा कढ़ाई में खाना खाता था, घर में तो पूरा कढ़ाई और गमला में भी खाना खाता था, और वैसे ही खाने में ज्यादा टेस्टी है, तो या दीक्षित में ही खाते अभी क्या करेगा। सो गाइज दैट्स इट एंड गना एंड माई व्लॉग हेयर, आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई व्लॉग, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कीप सपोर्टिंग गाइज, ठीक है, टेक केयर एवरी वन, टाटा बाय बाय, प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट एवरी वन।